हरियाणा यूपी से दिल्ली देहात पहुंचना होगा आसान। 390 किलोमीटर तक होगी मेट्रो कनेक्टिविटी। अकाली दल और दिल्ली पुलिस आमने सामने। खेती कानूनों के विरोध और किसानों के हक में 17 को संसद मार्च निकालने को पुलिस ने नहीं दी मंजूरी। अब बिना अनुमति मार्च निकालने की तैयारी में पार्टी। देश का सबसे लंबा हाईवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हरियाणा के 65 गांवों से गुजरेगा। नितिन गडकरी ने सीएम मनोहर लाल और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत के साथ किया निरीक्षण। अब रोबोटिक सर्जरी के लिए दुनिया भर के सर्जन गुड़गांव में ले सकेंगे ट्रेनिंग। FMDA सड़कों पर खर्च करेगा करोड़ों। शहर की 3 प्रमुख सड़कों का 44.87 करोड़ की लागत से पुनर्निर्माण होगा। फरीदाबाद नगर निगम को सुधारने के लिए रोड मैप तैयार। केंद्रीय मंत्री बोले, पार्षदों को अपने वार्ड से टैक्स कलेक्शन कराने में करना होगा सहयोग। निगम को बनाना होगा आत्मनिर्भर। नहीं रुक रही बुखार से मौतें। चिल्ली गांव के बाद शहर में भी होने लगी मौतें। सिविल लाइन कॉलोनी में सितंबर में 4 की बुखार से गई जान। फरीदाबाद डबुआ कॉलोनी का अफसरों ने लिया जायजा। JNNURM के तहत बने फ्लैट का निरीक्षण करने पहुंचे निगम अधिकारी। 200 पर मिले अवैध कब्जे। खाली कराने का दिया अल्टीमेटम। जमाखोरी करने पर देश भर में 6,244 मुकदमे दर्ज। सरकार नया कृषि कानून लाई, लेकिन जमाखोरी रोकने को पुराने कानूनों का लिया सहारा। यूपी में सर्वाधिक केस हुए। गुड़गांव आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के खाने में निकले कीड़े। प्ले स्कूल ट्रेनिंग के दौरान परोसा जा रहा था खाना। ठेकेदार के खिलाफ की नारेबाजी। दिल्ली पुलिस ने आतंकी साजिश में शामिल होने के शक में हिरासत में लिए गए इम्तियाज और जलील को छोड़ा। दिल्ली की फिर किलेबंदी। शिरोमणि अकाली दल के प्रदर्शन के ऐलान पर सीमाएं सील। बहादुरगढ़ के 2 मेट्रो स्टेशन समेत झाड़ोदा निजामपुर जोड़तनी बॉर्डर बंद होने से लोग परेशान। दक्षिण निगम की अनूठी पहल। राजौरी गार्डन के माधव पार्क में खुली पहली ओपन लाइब्रेरी। पुलिस की कार्रवाई। चांदनी चौक ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष की पत्नी से हुई थी घर में लूट। 4 अपराधी हुए गिरफ्तार। 50 लाख की ज्वेलरी बरामद। KMP एक्सप्रेसवे पर एक कैंटर अज्ञात वाहन से टकराया। 25 लोग घायल।